वेलकम फ्रेंड्स, राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जून के पहले सप्ताह में सरकार करेगी रिव्यू। 15% सेंटर बढ़ाकर होगी राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं। जी हां, ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। इसमें कहा गया है कि एक साथ नहीं हो सकेंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, अर्थात राज्य के जो 20 लाख स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंतजार है अपनी परीक्षाओं का। और उन परीक्षाओं को लेकर बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आई है, जिसमें कहा गया है कि 10th और 12th परीक्षा 2021 परीक्षा निश्चित रूप से आयोजित की जाएगी, परीक्षा निश्चित रूप से होगी। ऐसा सरकार का अधिकृत बयान आया है, जिसमें 10वीं 12वीं की परीक्षाएं निश्चित रूप से होंगी। ये यहाँ पर शिक्षा राज्य मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान है। स्पष्ट रूप से आपके सामने बयान नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थी जीवन का टर्निंग पॉइंट है, भले एक दो माह इंतजार करना पड़े, परीक्षा कराएंगे। यानी कि इससे तय है कि आपकी परीक्षा होने जा रही है, आप अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखें। 15% परीक्षा केंद्र बढ़ाए जाएंगे, यानी कोविड-19 की वजह से अब सरकार जो बोर्ड सेंटर्स हैं उनमें भी वृद्धि करने जा रही है, यानी आपके 15% परीक्षा केंद्रों में वृद्धि की जा सकती है। कम हो सकता है परीक्षा का समय हो सकता है, पहले जो आपके 3 घंटे 15 मिनट था, काफ़ी लंबा समय दिया था, उसे भी कम किया जा सकता है, यानी पेपर को थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है पहले से। इसके अलावा जो शिक्षा राज्य मंत्री जी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि विद्यार्थी अपनी तैयारी रखें, पढ़ाई बंद कर दिए वो पढ़ना शुरू कर दें, आपकी परीक्षा निश्चित रूप से होने जा रही है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है, वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, उनका पेपर होने जा रहा है, ये निश्चित है। ये उनका बयान आप पढ़ लीजिए। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं निश्चित तौर पर होंगी, विद्यार्थी पढ़ाई जारी रखें, सरकार जून के पहले सप्ताह में रिव्यू बैठक करेगी। यानी अब आपकी जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका कुछ क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जब पेपर टाइम कम किया जा रहा है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बढ़ाए जाएं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बढ़ाए जाएं। इसके अलावा आपके जो वन लाइन टाइप क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको भी थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, यानी पेपर टाइम कम किया जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से है कि इन क्वेश्चंस में वृद्धि कर दी जाए, इन क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ा दी जाए। रीडिंग पार्ट में पैसेजेस को निश्चित रूप से रखा जाएगा, ये स्कोरिंग पार्ट है, इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी कमी नहीं करेगी। राइटिंग और कंपोजिशन पार्ट भी आपके 100% रखे जाने की संभावना है, आप इनकी अच्छे से तैयारी रखें, ये आपके निश्चित रूप से आएंगे। आगे जैसे ही हमें आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे। आप चैनल के साथ बने रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाएंगे और आपके एग्जाम तक जैसा हमने आपसे वादा किया है हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।